जय हिंद किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इस मशीन के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगा जो कि आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलती होगी। ठीक है, सबसे पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप इस मशीन को किस तरीके से घर में खोल के रखते हैं, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आगे बात कर। इस प्रकार से आप ओपन करके अपने घर में भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अपने घर में रखा हुआ है और आज हम इसको निकालेंगे और देखिए कितना सब झाला वाला लग गया है, सब कितने दिनों तक रखा था। आज इसको निकालेंगे, इसकी फिटिंग्स होगी और धान की कटाई का, जैसे जानते हैं आप लोग सीजन चालू हो गया है, तो उसके बाद में अब धान की कटाई होगी इससे। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम अपने मशीन को अपने घर में रखते हैं। आज हम इसके कुछ रिलेटिव कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो कि आपको जानना चाहिए। दरअसल मैं यहाँ पर हमेशा सही जानकारी शेयर करता हूँ, तो इससे रिलेटेड हमारा फर्ज ये भी बनता है कि आपको जो इससे संबंधित कमियां हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करें। करियर डेवलप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले इसकी कटाई आप देख लीजिए किस प्रकार से होती है, कटाई में कहां किस जगह कमी होती है। ये देखिए, ये कटाई का प्रोसेस यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी ठीक है, लेकिन यहां पे लास्ट में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। ये जैसे कि जहां पर ये मशीन घूमती है, ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बैक कैमरे से सब कुछ चीजें दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जब लास्ट में जहां से घूमती है वहां पे थोड़ा बहुत जो चीजें हैं गेहूं आपका जो भी रहेगा, धान रहेगा, जो भी फसल, थोड़ा बहुत नुकसान कर देती है। ठीक है, और जैसे कि जहां से ये घूमती है थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का हो जाता है। और यहाँ पे बाकी सभी चीजें ठीक हैं, बाकी सभी जो ये लेना रखती है वो ठीक होता है। और एक चीज यहाँ पे और, जैसे कभी कभी काटते समय ये जो थोड़ा बहुत जो होता है चीज़ें, जो थोड़ा बहुत फसल होती है कभी कभी बच जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बची हुई है। और देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये गिराते हुए गई है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे जो, तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला सभी सब ठीक है, लेकिन ये जो बीच में इधर गिरा दी है वो दिक्कत हो गया है। ठीक है, और जैसे कि हम आपको थोड़ा सा और वो दिखाना चाहेंगे, तो ये तो कटिंग में लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, कुछ कभी कभी काटते वक्त आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो काटते वक्त कुछ इस टाइप का कभी कभी छोड़ देती है, वैसे ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, जब आपका जिस तरीके से कटिंग का भी थोड़ा सा प्रोसेस में ध्यान देना पड़ेगा जो नए लोग चलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा भी ये चीज़ें छोड़ देती है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये बराबर से काटी है। ठीक है, कभी कभी एक दो जो पेड़ है वो आप देखेंगे ऐसा कर देती है, वैसे ज़्यादा ये कोई ओवर प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा इस मशीन में आज हमको एक प्रॉब्लम भी आया था, तो इसको लेकर के मैं थोड़ा सा इसीलिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, मेन बात यही है। तो यहाँ पे होता ये है कि जैसे कि ये मशीन का क्लच हो गया, तो ये थोड़ा सा आज टूट गया है, कैसे टूटता है थोड़ा सा देखेंगे। तो आज मैं यहीं पर दोपहर को छोड़ के चला गया था क्योंकि ये टूट गया था, या इतना मैंने कटाई की थी और उसके बाद मैंने छोड़ के चला गया था इसको। चलिए आपको हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने तोप दिया था। हाँ, तो अब आप देखेंगे, तो दरअसल होता है ये है कि जैसे कि हम लोग ये वाली फसल इधर की काट रहे हैं, ठीक है, इस साइड की फसल काट रहे हैं, तो होता ये है कि जैसे कि इधर वाली फसल को हम लोगों को काट के पूरा, मतलब कि एक भी बचना नहीं चाहिए, ऐसा हमको करना पड़ता है, क्योंकि इधर वाली फसल बच जाएगी तो इधर बार दोबारा मशीन तो जाएगी नहीं, इधर वाली अगर फसल बचती है तो दोबारा मशीन ले जा कर के उसे हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यही बात होता है कि हम ज़्यादातर इस वाले क्लच का यूज करते हैं इधर लाने के लिए। तो इससे होता क्या है कि ये वाला क्लच जो होता है, अगर आपका ये वायर कमज़ोर है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कभी कभी क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये देखिए यहाँ पे नीचे गिर गया, चलिए आपको फोकस करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो अभी हम देखिए ये नया क्लच का पाउच लाए हैं। ठीक है, ये केबल इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर बाकी जो ये फसलें हैं वो कटेंगी। तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, बाकी आप देख सकते हैं, देख लीजिए ये इस टाइप की ये चीज़ें। अगली बार ये टूट गया था, एक बार ये भी, ऐसा नहीं है कि ये वाला क्लच नहीं टूटता, ये भी कभी कभी टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपको वायर अगर आप ला के रखे रहेंगे तो आपका मतलब कि जब भी टूट जाए, वैसे जल्दी नहीं टूटता लेकिन टूट जाता है, फिर भी आपको बता, जो भी परेशानी आती है आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब ठीक है, ये जो गियर लगाने में दिक्कत नहीं होता, गियर तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। एक दिक्कत ये होता है जैसे कि ये गियर लगा के छोड़ना पड़ता है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, तो लेकिन वैसे वो बहुत ज़्यादा ओवर इशू नहीं होता है। और बाकी अभी हमने आज कटाई की है, ये देख लीजिए इस तरीके से इसने कटाई की है,
और बीच बीच में कभी कभी जैसे कि आप कटाई करते समय थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है मशीन, ये जैसे चक्का थोड़ा सा उठ गया, ये चक्का थोड़ा सा भी उठ गया, तो ये चक्का क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये ऊपर जो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर काट देता है। बस इसी टाइप की चीज़ें का थोड़ा सा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे हम टूल बॉक्स अपना लेके आ चुके हैं, ये टूल बॉक्स भी इसी मशीन के साथ ही मिल जाता है, तो टूल बॉक्स के साथ मिल जाता है, तो इसको भी ओपन करके ये जो चीज़ें हैं इसको हम चेंज कर देंगे और उसके बाद में ये फसल की अपनी कटाई शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम में यही चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया, देख लीजिए किस तरीके से ये कटाई करता है, ठीक है। बीच बीच में जैसे कि ये वाली चीज़ें हो गई, ये छूट जाती है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और देखिए ये कैसा काट दिया है। लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अब जैसे थोड़ा बहुत मशीन से कटाई है तो हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम आए। तो लास्ट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कोन में घुमाते वक्त थोड़ा सा टर्न लेते वक्त ये थोड़ा सा छोड़ देती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान करती है, बाकी जाते समय अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत पेड़ गिरा हुआ है तो वो चीज़ें दिक्कत करती है। वैसे अगर सही तरीके से आपको काटना हुआ तो जो भी चारों कोना है, एक कोना हो गया, उधर दूसरा कोना और बाकी जो भी चारों कोने हैं उसको थोड़ा थोड़ा पहले से ही काट लीजिए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इससे कटाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो इस मशीन के साथ आती है। और साथ में एक और जो प्रॉब्लम आती है वो आपको बताना चाहेंगे, जब आप वो फर्स्ट वाली जो जब इस मशीन जैसे कि ये खेत हो गया अभी ये कटा नहीं है, तो आप पहली बार जब इसको मशीन को लेकर घुसते हैं तो उस समय आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं होता, जगह फर्स्ट टाइम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, और साथ में ये जो क्लच वाला जो मैंने प्रॉब्लम बताया, ये वाला जो टूट जाता है वायर का, तो वायर आप ला करके रखे रहिए और बाकी सभी चीज़ें ठीक है। और ज़्यादातर आप प्रीफर करिए अगर आपके इधर स्कूटर का वायर मिल जाता है, ये स्कूटर वाला वायर आता है मिल जाता है, तो आप 40-50 रुपए का आ जाता है, तो उनको आप लेकर के लगाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ये बैकअप देता है, ज़्यादा दिन तक चल जाता है, ठीक है। साथ में एक बात और आपको बताना चाहेंगे, इस मशीन का जब भी आप प्रयोग करें तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मतलब कि जो कोनों का मैंने बताया, जैसे कि वो कोना हो गया थोड़ा सा उसको पहले से ही काट लें कोने कोने का, जिससे कि वहां पर जब आप घुमाएंगे तो आपकी फसल जो है वो नुकसान होने से बच जाएगी। और जो मैंने ये वाला प्रॉब्लम मैंने बताया जो कभी कभी थोड़ा वो छूट जाता है, तो ये थोड़ा सा हमको लगता है मशीन की कटाई है, वो होता रहता है इतना, क्योंकि आदमी आराम से बैठ के काटते हैं कितना टाइम लगता है, और ये आधा एक घंटे में काट के रख देती है, तो थोड़ा इस टाइप का इशू आ सकता है, वैसा हमको नहीं लगता कोई बड़ा इशू है। तो चलिए आगे कटाई करते हैं, कटाई वाली थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कुछ और जानना हुआ, कुछ और आपको पूछना हुआ तो कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी आपको बता देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसको स्टार्ट कर लेते हैं।